वेलकम बैक गाइस आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट लेकिन जैसे जैसे हमारी एक्सपी बढ़ेगी वैसे वैसे ये हमारा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड मोर रियलिस्टिक होता जाएगा तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ पे ना हमको जैसे जैसे एक्सपी मिलेगी ना वैसे वैसे हमारा वर्ल्ड एकदम मोर रियलिस्टिक होते जाएगा मतलब आप, आपको पता चल जाएगा अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो भाई पूरा वीडियो देखना आपको यकीन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो चलिए अभी हमको ज़्यादा कुछ नहीं करा हमको नॉर्मली अपना काम स्टार्ट कर देना है हमको ज़्यादा नहीं एक्सपी चाहिए तो यहाँ पे जितने भी जानवर है सबको मारना पड़ेगा एक्चुअली मेरे को उनको मारने का कोई इरादा नहीं है बट मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है तो आप समझ सकते हो तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो मुझे टूल वूल चाहिए तो पहले मैं टूल्स बना लेता हूँ तो यहाँ पे बेचारे मैंने विलेज़ का घर तोड़ दिया मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो फटाफट से ना यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनाते कुछ टूल्स बना मतलब एक ज़्यादा नहीं एक ही बना लेता हूँ ताकि मुझे एक्सपी मिल सके किसी जानवर को मारने के बाद और एक पिकेक्स भी बना लेता हूँ ताकि तो मुझे ना थोड़े तगड़े वाले हैं ना यहाँ पे स्टोन के सामान चाहिए ताकि ना मैं आराम से किसी को भी मार सकूँ तो सबसे पहले मुझे थोड़ी सी अरे लकड़ियों की कमी हो रही है तो मुझे एक और तोड़ना ही पड़ेगा ओके तो यहाँ पे है ना मुझे एक पिकेक्स बना लेनी अब है ना मैं पूरी तरह रेडी हूँ तो अभी है ना मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं है मुझे यहाँ पे जो भी जानवर दिख रहा है सबको मारना पड़ेगा और एक्सपी कलेक्ट करना पड़ेगा मुझे पता नहीं कि कितने एक्सपी पे हमारा ये वर्ल्ड मोर रियलिस्टिक होता है लेकिन फिर भी जितने भी एक्सपी की जरूरत है मैं लेना स्टार्ट कर दूँ और यहाँ पर जानवरों की कमी नहीं है आप देख सकते हो बहुत सारे जानवर है प्लेन्स में तो जानवर स्पॉन होते हैं यहाँ पे मैंने एक को मार दिया तो इतने अरे एक्सपी कहाँ चले गया इतने एक्सपी पे तो होगा नहीं मुझे शायद से थोड़े बहुत और एक्सपी चाहिए होगा अभी सच बोलो तो मैंने आज जैसे आपको कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है तो अभी जितने भी है सबको मैं मारता हूँ ओके okay, तो यहाँ पे मेरा एक्सपी वन तो हो गया है लेकिन वन पे भी अभी तक ये ना कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ शायद से मुझे ज़्यादा चाहिए होगा गई तीन चार या पाँच जैसे चाहिए होगा गए यहाँ पे एक्सपी लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे जानवर नहीं आ रहे और मुझे ना कुछ स्मेल्ट करना पड़ेगा अगर मैं ना स्मेल्ट करूँ स्टोन को मतलब कवर स्टोन को स्टोन में कन्वर्ट करूँ तो शायद मुझे थोड़े से एक्सपी मिल सकते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है बट वो नहीं मैं ये जानवर को ही मारता हूँ इसी से मेरे को ना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं तो मैं अभी इनको मारना स्टार्ट कर देता हूँ ओके okay, तो यहाँ पे एक्सपी कलेक्ट करते करते नाइट हो चुका है और अभी तक है ना हमारा वर्ल्ड चेंज नहीं हुआ पता नहीं कब होगा मैंने ना तीन एक्सपी तो कर लिया है शायद से चार पे होगा या फिर मुझे कोई आइडिया नहीं सच बोलो तो यहाँ पे थोड़ा और मारते एक्चुअली इनको मारना छोड़ो मैं चल के सो लेता हूँ मुझे एक बेड ढूंढना पड़ेगा सोने के लिए तो यहाँ पे मॉन्स्टर है तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ यार मुझे दूर जाकर सोना पड़ेगा यहाँ पे अपना आयरन गुलम कहीं पे होगा ना उसी के पास जाकर सोते वो मेरे को सेफ रखेगा तो पहले यहीं पे सो लेता हूँ चल सो जा ओके तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है शायद ओके देख सकते हो फाइनली हमारा वर्ल्ड ना रियलिस्टिक लग रहा है बट ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ ही चीज चेंज हुआ है ये है ना मुझे हल्का हल्का शेडर की तरह लग रहा है अभी पता नहीं ये कैसा है बट ओके यहाँ पे क्रीपर है मतलब यहाँ पे चेंजेस होना चालू किया मेरे को और एक्सपी लेना पड़ेगा तब जाके एकदम रियलिस्टिक होगा अभी थोड़ा तो थो, अभी थोड़ा रियलिस्टिक हुआ है उसके बाद थोड़ा और रियलिस्टिक होगा और उसके बाद लास्ट में एकदम रियलिस्टिक लगेगा मेरे को तो लास्ट वाला पार्ट देखना कि लास्ट में कैसा लगता है मतलब ये देख सकते हो तो ये है ना हमारा हल्का हल्का मेरे को एक्चुअली हल्का हल्का शेडल की तरह लग रहा है पता नहीं ये कैसा है बट मुझे ना और भी एक्सपी चाहिए ताकि और रियलिस्टिक हो जाए तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता मैं यहाँ पे है ना इनको मारना स्टार्ट करता हूँ मुझे तो जितने भी हो सकते वहाँ पे एक्सपी अरे यार बिल्ली को मारना थोड़ा मुश्किल होता है ये बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है मैं ना यहाँ पे एनिमल को भी मार सकता हूँ लेकिन अरे यार इसको अरे मर जा यार मर जा थोड़ी सी एक्सपी दे तो अभी देखते अब पहला तो हमारा तीन या चार पे चेंज होता है एक्चुअली साढ़े तीन पे तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट कब चेंज होगा वहाँ पे मुझे कुछ जानवर दिख रहे हैं तो मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपी चाहिए मेरे कोई ना एक्सपी लेने का सही तरीका है ओके ओके एक मिनट यार डंजन में नहीं गिरना मैं यहाँ पे एक्सपी लेने जा रहा हूँ वहाँ पे पता चले कि मेरी एक्सपी निकल गई अभी ना मैं देखता हूँ यार मुझे खाली थोड़े बहुत जानवर मिल जाए ना बस मेरा काम हो जाएगा अभी यहाँ पे ना हल्का हल्का मेरे को रियलिस्टिक मतलब ज़्यादा कोई फर्क तो नहीं लग रहा है सच बोलो तो पानी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है हल्का हल्का रियलिस्टिक लग रहा है लेकिन मुझे ना पूरा का पूरा रियलिस्टिक चाहिए मुझे देखना है कि लास्ट में ये कैसा दिखता है मेरे को बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ लास्ट पार्ट के लिए अगर आप भी एक्साइटेड हो तो कमेंट में जरूर बता देना तो यहाँ पे कोई अरे यार जाना ओके दिख गया फाइनली मेरे को कल इनको मारना है जल्दी जल्दी मजा यार यहाँ वहाँ मत भागो यार मुझे माइनक्राफ्ट को एकदम रियलिस्टिक मोड में देखना है अरे निकल ले यार एक्सपी मिल जाए चार तो हो गए मुझे लगता है कि शायद पहला तीन पे होगा ना तो अभी छः पे होगा मेरे ख्याल से मुझे कोई आइडिया नहीं है बस मुझे लग रहा है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी लग रही है मैंने ये कभी खेला तो नहीं है बट ओके देखते अरे यार कितना कम कम बढ़ रहा है थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है वैसे तो मैंने इतना जानवर को मार दिया एक मिनट कहाँ भाग रहे यार मर जाए मर जार। एक मिनट मैं, मैं माइनिंग पे जा अरे यार मैं क्या बेवकूफ़ हूँ मैं माइनिंग पे जाता ना तो वहाँ पे कोल वोल मिलते हैं ना तो मुझे वहाँ पे बहुत ही सारे एक्सपी मिलते हैं एक्सपी की कमी नहीं होती तो मैं कहीं तो माइनिंग स्टार्ट करता हूँ मुझे कहीं कोल दिखेगा तो सही है कोल थोड़ा बहुत मिल जाता ना तो मेरा काम बन जाता है ओके तो ये देख सकते ये फ्लावर काफ़ी अमेजिंग है ये थोड़ा रेयर फ्लावर है मेरे ख्याल से और यहाँ पे विच का हट है क्या एक मिनट मेरे को देखने दो तो ये विच का नहीं विच का हट नहीं ये कोई विलेजर का घर है और ये एक मिनट सारे दुनिया से एकदम अलग बनाया क्यों है यार इसको देख सकते हो ये एकदम कोने में है मतलब पूरी दुनिया से अलग बनाए ओके एक मिनट मुझे यहाँ पे कोल मिल गया तो फटाफट माइनिंग स्टार्ट करते जितना हो सके मुझे एक्सपी यहाँ से चाहिए तो यहाँ से मुझे ना ऑलमोस्ट बहुत सारे तो मिल जाएंगे तो अपने माइनिंग को कंटिन्यू करते फटाफट से ओके तो गाइड देख सकते हो ये फाइनली वापस से चेंज हो चुका है और ये उससे भी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ये मुझे पत्थर और डर तो भाई एक मिनट मुझे बाहर जाके देखने दो अचानक से चेंज हो जाते हैं मेरे को लगा कि एक एक्सपी ची होता है मैंने सोचा पाँच या छः पे मिलेगा ये रैंडमली चेंज हो जो ये क्या खतरनाक लग रहा है एकदम रियल पूरा रियलिस्टिक तो नहीं लग रहा है लेकिन अभी भी इसका कुछ स्टेज बाकी है लेकिन काफी अमेजिंग लग रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी डिटेलिंग चेंज हो चुकी है लकड़ी वकड़ी सब चेंज हो चुका है मुझे तो काफी मजा आ रहा है एक मिनट सबसे पहले मैं अपनी इन्वेंट्री चेक करता हूँ इसके अंदर सामान भी काफी चेंज होगा लेदर तो देखो क्या लग रहा है अपना लेदर एक मिनट मेरे

वीट भी काफ़ी सही लग रहा है देख सकते तो मतलब मुझे है ना ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है सर जो तो पहले वाले से पहला वाला थोड़ा सा रियलिस्टिक था और ये अभी और भी ज़्यादा रियलिस्टिक है और इसके आगे भी स्टेज आने वाले एक मिनट अपना डर्ट तो ये डर्ट काफ़ी अलग लग रहा है एक्चुअली ग्रास तो देख सकते हो ये पहले एकदम ग्रीन होता था लेकिन अभी ना यहाँ पे यहाँ पे नॉर्मली काफ़ी सही लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना आपको ये वाला कैसा लग रहा है मेरे को तो काफ़ी सही लग रहा है और पानी को देखते ज़रा पानी भी रियलिस्टिक लग रहा है पूरा रियलिस्टिक तो नहीं है यार लेकिन ठीक ही ठाक है यार क्या कह सकते जावा का अलग होता है और ये तो भाई पॉकेट एडिशन है यहाँ पे इतना ज़्यादा तो रियलिस्टिक नहीं हो सकता और भाई ये देख सकते हो डिटेलिंग में क्या काम की गई है मज़ा आ रहा है मेरे को और एच चाहिए यार तो अभी और कहाँ से एक्सपी मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे कोल की तो माइनिंग की मुझे इनफ मिल चुका है मुझे अभी पता नहीं कितने एक्सपी पे नेक्स्ट पार्ट खुलेगा अपना नेक्स्ट वाला मुझे देखना है कि कितना रियलिस्टिक करता है तो मैं अपने ना ये स्मेल्ट करके अगर मुझे यहाँ से एक्सपी मिलता है ना तो मैं कब का करके ना सौ दो सौ कर चुका एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ तो अभी ना मुझे और भी रियलिस्टिक बनाना है अपने माइंड को और अपने ओके क्या चेंजेस हो रहे भाई कितना ज़्यादा सही लग रहा है ये इसे कहते हैं ना कमाल और एक मिनट और डिटेलिंग चेक करते हैं यार इसमें कहाँ कहाँ क्या, क्या क्या चेंज हुआ है तो अपने विलेजर में कुछ चेंजेस हुआ है क्या ओके भाई विलेजर देखो यहाँ पे तो ये है ना ज़्यादा ब्राइट हो चुका है इतना भी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगा मुझे तो लगा एकदम आदमी जैसा दिखेगा जैसे हम लोग ह्यूमन दिखते वैसा लगेगा बट ऐसा नहीं शायद से और भी चेंज होना होगा तो यहाँ पे पत्ते वत्ते भी सही लग रहा है एक मीटर ज़्यादा से ही नहीं है बट ठीक ही ठाक है ओके मुझे वहाँ पे थोड़े से जानवर मिल रहे तो चलो उनको जाके मारते हैं अभी मुझे कोई आइडिया नहीं कि मुझे और कितने एक्सपी चाहिए यार इसमें एक्सपी करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है अगर कोई एक्सपी फार्म होता तो फटाक से बना लेता बट उसके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए यार चलो मारते और वो लामा ने एक भी एक्सपी नहीं दिया कितना हरामी लामा था निकल यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपी दो चलो पाँच हो चुके अभी पता नहीं और मुझे कितने एक्सपी चाहिए कोई तो बात नहीं यहाँ पे अपनी ग्राइंडिंग चालू ही रखते हैं थोड़ा सा और एक्सपी तो लेके चेक करते हैं ओके तो मैंने यहाँ पे छः एक्सपी कर तो लिया एक्चुअली छः से ज़्यादा कर लिया साढ़े छः लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं ले यार यार मोर रियलिस्टिक दिखाओ यार कब दिखाओगे नाइट भी हो रहा है और एक मिनट में थोड़ा चेक कर लेता तो इसके अंदर कुछ मिल सकता है मेरे को यार कहाँ से मैं अगर इंटेंटेड बुक होता ना तो यहाँ से ग्राइंडिंग करके थोड़े से एक्सपी ले लेते क्यों नहीं मिल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है डैम गाइस ये देख सकते हो मेरा सामने चेंज हो चुका भाई अचानक से क्या खतरनाक ग्राफिक्स लग रहे हैं ये मैंने सोचा नहीं था घास पूस को देखो भाई क्या खतरनाक लग रहा है क्या हो रहा है यार अपना स्का तो भाई एकदम नॉर्मल लग रहा है लेकिन ये माइंड को चेंज कर ये इसे कहते ना रियलिस्टिक मेरा शॉर्ट देख सकते हो स्टोन का शॉर्ट मुझे लग नहीं रहा है मुझे लग रहा है कोई दूसरा वाला पता नहीं कौन सा ओके ये बेड देख सकते हो ये बेड के साथ में तकिया भी ये देख सकते हो कम्बल तकिया सब कुछ है इसे कहते ना रियलिस्टिक मुझे विलेजर को देखना है कि विलेजर कैसे लगता है

मेरे मेरे को भी चेंज होना चाहिए शायद से ये मोड में शायद से ऐसा कुछ होगा नहीं कोई बात नहीं मेरी एयर नहीं तो क्या हो यहाँ पे इन सब को चेंज कर दिया देख सकते हो ये ग्रास तो भाई क्या खतरनाक लग रहा है अपने जानवर जानवरों को चेंज किया क्या ओके शायद से जानवरों पे हल्का हल्का इफेक्ट पड़ा है लेकिन ये देख सकते हो इसे कहते हैं ना एकदम कूल अपना सूरज की तरह सूरज भी गोल हो गया है पर ये अपना क्लाउड ज़्यादा मतलब यह डिसअपॉइंटिंग कर रहा है मेरे को चलो कोई बात नहीं एक मिनट है ये पंकीने की हेबेल है मुझे लग नहीं रहा है कि ये हेबेल है एक मिनट ये हेबेल तो मुझे ना रियलिस्टिक लग रहा है मतलब आपने देखा होगा ये रियल लाइफ के हेबेल आपने देखा होगा तो आपको पता है एकदम उससे सिमिलर लग रहा है मेरे को और ये देख सकते हो अपना वीट इसको गेहूँ बोलते हैं और ये अपने डर्ट देख सकते हो डर्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है यार इससे ज़्यादा रियलिस्टिक क्या ही मिल सकता है माइंड में देख सकते हो तो कितना ओपी है यहाँ पे ये तो हद से ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे लगा था रियलिस्टिक होगा हल्का हल्का बट इतना ज़्यादा रियलिस्टिक मैंने सोचा नहीं था और जरा आयरन गोलम का देखते आयरन गोलम भी ओके आयरन गोलम भी हल्का हल्का लियर लग रहा है इसके छाती में ये आयरन क्या कर एक मिटा है इसका हार्ट है कि क्या है यार ये क्या मजाक चल रहा है ये, ये गाइज आप लोग देख सकते हो इसके हार्ट है कि क्या है ये देख सकते हो रियलिस्टिक हार्ट बना दिया क्या मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ है और ये कौन सा ब्लॉक है हमारा एक मिनट जरा माइंड करके देते और ये पिकेक्स है क्या पिकस लकड़ी की पिकेक्स से काफी अजीब कर दिया है और इसको लेते और ओके काफी सही टूट रहा है और ये क्या है कबल स्टोन कबल स्टोन ऐसा को ऐसा मैंने अरे यार मुझे कुछ भी समझ नहीं रही कि क्या क्या है इतना रियलिस्टिक कैसे बना दिया और एक मिनट एक इसको तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको ये देख सकते हो ये काफी ज़्यादा सही लग रहा है ये एकदम रियलिस्टिक लग रहा है हद से ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है देख सकते हो ये लाइक जमीन हम लोग खेती करने के लिए बनाते हैं तो वैसा ही लग रहा है आपने देखा होगा अगर आपको पता हो तो ये एकदम रियल गाय है देख सकते हो एकदम रियल गाय ऐसी होती है नॉर्मल माइंड काव को एकदम हटा कर चेंज कर दिया है एक मिनट ये कुछ ज्यादा चेंज कर दिया यहाँ का स्टोन को पूरा चेंज कर दिया लुक ही बदल दिया सच बोलो तो वाइज आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये रियलिस्टिक इससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक होगा मेरे ख्याल से लेकिन उसके लिए कितनी एक्सपी चाहिए मुझे आइडिया नहीं है अगर मैं ना अपने एक्सपी को थोड़ा और बनाऊँ ना तो इससे भी ज़्यादा हमको रियलिस्टिक देखने मिलेगा मतलब हद से ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा यार तब तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा माइनकार्ड में क्या है यहाँ पे क्रीपर भी बहुत ही अजीब दिखेंगे आपने देखा होगा ना तो फोर के एक रियलिस्टिक आता है वो हद से ज्यादा रियलिस्टिक एकदम रियल लाइफ का दिखता है एकदम इंसान अपना हाथ वाथ सब एकदम रियल दिखता है बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है तो आप लोग बताना आपको है ना ये वीडियो कैसा लगा मुझे तो काफी खतरनाक लगा अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना और चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना